नमस्कार दोस्तों, 10,000 शिक्षकों की भर्ती की फाइल वित्त विभाग के पास भेज दी गई है। अब वित्त विभाग के जवाब का इंतजार है। चलिए पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें। ये देखिए दोस्तों, प्रदेश के 10,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब पर कंप्यूटर शिक्षकों के पद स्वीकृत नहीं। बिना कंप्यूटर शिक्षकों के स्कूलों में हो रही पढ़ाई। पिछली सरकार ने केंद्र के सहयोग से भर्ती का किया था ऐलान। इस सरकार ने फाइल वित्त विभाग के पास भेजी, अब मंजूरी का है इंतजार। प्रधानमंत्री एक तरफ डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने में लगे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षकों की पढ़ाई के शिक्षक ही नहीं है। सरकार ने 10,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब तो बना दिए, लेकिन एक भी कंप्यूटर शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं किया। इससे कंप्यूटर की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है। 25,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षक बेरोजगार है, वे भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने केंद्र के सहयोग से कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था, लेकिन 5 साल से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। अब सरकार ने भर्ती की फाइल वित्त विभाग में भेजी है। बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 9वीं और 10वीं में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है, कला शिक्षा की तरह। इसमें भी फर्जी तरीके से अंक देकर खानापूर्ति की जा रही है। पहले सरकार ने संविदा कंप्यूटर शिक्षक लगा रखे थे, लेकिन सरकार ने इन शिक्षकों को पिछले साल हटा दिया था। तब से ही वे शिक्षक तो वापस लगने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और कंप्यूटर योग्यताधारी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजित कर भर्ती की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों के अभाव में सफल नहीं हो पाए यह प्रयास। तो देखिए दोस्तों, 10,000 कंप्यूटर शिक्षकों के पद खाली है, और इस पर गवर्नमेंट को जल्द भर्ती करनी चाहिए। और इसके लिए दोस्तों, पद सृजित करने के लिए फाइल वित्त विभाग को भेज दी गई है, जल्द ही शायद स्वीकृति भी मिल जाए। ये देखिए, इधर आपको पद दिखाई दे रहे हैं, 10,000 × 40 पद। और नीचे देखिए दोस्तों, गोविंद सिंह टोडासरा ने क्या कहा है। टोडासरा प्रयास है कि हिंदी माध्यम के स्कूलों में भी कंप्यूटर शिक्षक लगाए जाए। इसके लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवा दिया है। वित्त विभाग कई आधारों पर देखता है, वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद ही इसमें आगे कुछ कहा जा सकता है। और नीचे देखिए दोस्तों, मुकुल आचार्य महासचिव राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ, लंबे समय से कंप्यूटर शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती करने की मांग उठ रही है। सरकार को जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। सरकार ने संविदा कर्मियों के समायोजन का भी वादा किया था, अगर ऐसा होता है तो उनकी नौकरी लगने का सपना साकार हो जाता है। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही थी।